जब देश का प्रधानमंत्री देश के नागरिकों की नहीं सुन रहा हो तो उसे सिर्फ सुविधाएं लेने का हक नहीं होता, उसे जिम्मेदारी लेने का भी हक उसी का होता है। देश के प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी, और मैं कहूँ ये दोनों नरेंद्र मोदी और शाह, इन दोनों का इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि नैतिकता के आधार पर नहीं, अब तो या तो खुद दे दें, नहीं किसान ज़बरदस्ती दिलवाएगा इनसे, नहीं इस्तीफा तो इनको देना पड़ेगा, गद्दी छोड़नी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता ये चार साल और पूरे कर पाएंगे। आम आदमी को क्या समझते हो आप? आम आदमी को डफर समझते हो क्या? देश का किसान यहाँ बैठा है, देश का किसान अपनी खेती में एक्सपर्ट है, जो शहर में लोग आईटी में है वो आईटी का एक्सपर्ट है, पेंचर लगाने वाला अपने फील्ड का एक्सपर्ट है, डॉक्टर अपना एक्सपर्ट है, हर किसी की एक्सपर्टीज़ होती है, उसको आप तोल नहीं सकते कि वो पढ़ा लिखा है और किसान यहाँ मूर्ख बैठा है। किसान ने ही ये कहा है, किसान बैठा है, किसान बॉर्डरों पर आकर बैठा है, किसान ने इस देश को जगाया और आज किसान ही देश को चला रहा है। आप कहाँ देश को लेके जा रहे हैं, देश को मूर्ख बनाने का काम है? अरे भाई, इंसान को आप पढ़ाइए लिखाइए, शिक्षा पे जोर दीजिए, स्वास्थ्य पे जोर दीजिए। अगर देश का लोग वर्ग को, हर वर्ग शिक्षित होगा, देश का युवा, देश का नागरिक शिक्षित होगा, तो आपको ये बल्लिया बास लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देश अपने आप तरक्की करेगा। आपके कहने से नहीं, दिए जलाने थाली बजाने से देश तरक्की नहीं करेगा, देश तरक्की करेगा देश के युवा को अच्छा शिक्षित बनाने से। हुड्डा जी, जो कुछ लोग हैं जो पोंगा पंडित हैं या मुल्ला मौलवी हैं, बिल्कुल भगाना पड़ेगा। और आप मुझे एक शब्द क्लियर कीजिए, ये पोंगा पंडित आपने किसको बोला है? नरेंद्र मोदी को बोला है, अमित शाह को? नहीं, जो हवन कर, कौन है? सीधी सीधी बोल दीजिए, नहीं इनको बोल दीजिए, ये भी यही काम करते हैं, ताली बजाना थाली बजाना, ये क्या काम है? इनसे मूर्ख तो कोई है ही नहीं शायद हिंदुस्तान में। हवन करना भी कहीं ना कहीं अच्छा होता है, हवन के धुएं से कीटाणु मरते हैं। देसी तरीके आपने शायद अपने घरों में नहीं देखे, याद ना हो तो मैं बता दूं, देसी तरीके प्याज के ऊपर की जड़ काट के दीवे में डाल दी जाती थी सरसों के तेल में, उसके धुएं से ही बैक्टीरिया और ये वायरस मर जाते थे, मच्छर मक्खी नहीं आते थे। तो किसान का देसी तरीका आज कहीं ना कहीं वो इनको यूज़ करना पड़ रहा है। हाँ, अपना ये पोंगा पंडित बन जाते हैं या मुल्ला मौलवी, वो आप नरेंद्र मोदी को कह रहे होंगे या शाह को कह रहे होंगे, इन्हीं दो में से हैं, यही मन की बात करते हैं। कैबिनेट में आप एक भी आदमी का नाम बताइए नरेंद्र मोदी के अलावा, आप हिंदुस्तान की कैबिनेट का एक व्यक्ति का नाम बताइए जिसने आके मन की बात की हो। ये देश के रक्षा मंत्री कोई राजपथ के ऊपर बेइज्जती करते हैं हमारे प्रधानमंत्री राजनाथ जी को, उन्होंने हटा दिया, क्यों भाई? देश के रक्षा मंत्री हैं भाई, उनका हक बनता है, उनको भी आप थोड़ी सी इज्जत दे दो और देश के हर नागरिक को इज्जत दो। वो जो ढोंग आप करते हो दलित के पैर धोना, वो आप मन में उतारो, वो सिर्फ चुनाव के समय मत करो, अब भी जाके धो लो, हर किसी की सुननी चाहिए। हमन का समर्थन कर रहे हैं आप जी? किसका? जो हमन कर रहे हैं लोग। हाँ हाँ, मैं तो अपने नैतिक मूल्यों का सभी का करता हूँ, नैतिक मूल्यों का समर्थन करता हूँ। हवन करना, बड़ों की इज्जत करना, नैतिक शिक्षा, हमारा शब्द वो सिर्फ शब्द बना दिया इन्होंने, जबकि नैतिक शिक्षा एक सिलेबस के अंदर चैप्टर होता था आज से कुछ समय पहले, NCERT की पुस्तकें उठाइए, इन्होंने तो नैतिकता की हदें पार कर दी। जब फिर वहीं आते हैं हम जहाँ शुरुआत की थी, ट्विटर के ट्रेंड ने, ट्विटर का ट्रेंड अगर 1.5-2 करोड़ हो गया है तो नैतिकता बनती है, नैतिकता के आधार पर आप इस्तीफा दीजिए, इस्तीफा दीजिए। अरे भाई, देश को ऐसा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नहीं चाहिए, आप इस्तीफा दे, पीछा छोड़े और हम देख लेंगे। तो हवन का मतलब कीटाणु खत्म करना होता है, कुछ और भी? नहीं, मेरा मतलब तो हवन से कीटाणु ही होता है, कि हवा में शुद्धि होती है उससे, और कीटाणु बैक्टीरिया जो अभी मच्छर का करते हैं आप, दो टेक्नोलॉजी हैं भाई, एक टेक्नोलॉजी आप इसका छिड़काव करते हैं साइंटिफिक केमिकली, ठीक है, वो उसका देसी तरीके से हवन मच्छर मक्खी धुएं से चले जाते हैं। किसान के शायद गजेंद्र जी आपने वो घर नहीं देखे, हमने वो घर देखे हैं, जब लीपते थे घर को गोबर के लेप से, गलियों को लीपते थे, गलियां कच्ची होती थी, लेकिन उन गलियों में मच्छर मक्खी नहीं होते थे। आज गलियां सभी पक्की हो गई हैं, लेकिन मच्छर मक्खी गंदगी उनमें आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है। ये किसान ही है जो अपने खेत को, घर को, गांव को साफ सुंदर रखना चाहता है।
तो किसानों ने जो हवन किए हैं यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर, वो कीटाणु भगाने के लिए करें या मोदी जी की सद्बुद्धि के लिए किए थे? नहीं, उसका मिशन आप कुछ भी लगा लीजिए, ऐसे तो आप सवाल करेंगे कि हमारे यहाँ सिवाड़ी गुलगुले क्यों उतरते हैं, लोहड़ी पे रेवड़ी क्यों खाते हैं, ऐसे सवाल चलते रहेंगे। लेकिन हर चीज़ का एक साइंटिफिक रीज़न है। जब आप यहाँ बारिश का सीज़न देखेंगे, हम गुलगुले उतारते हैं, ऑयली फूड खाते हैं, उस समय बॉडी को ऑयल की नीड होती है। सर्दियों में होते हैं, हर किसान के घर में आपको लड्डू गाजर बाग मिलेंगे, वो सर्दियों की नीड है। लोहड़ी का संक्रांति का त्यौहार देखेंगे तो ऐसे आप चीज़ों को जोड़े ना कि ये हवन किस लिए था। हवन शुद्धता के लिए होता है। हाँ, अब आप उसको कहीं ना कहीं घुमाएं, बात को तोड़े, हवन मन की शुद्धता के लिए भी होता है और हवा की शुद्धता के लिए भी होता है। आदमी का मन शुद्ध होना चाहिए। आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मन शुद्ध करके लोभ, लोभ क्या होता है, लोभ अहंकार को जन्म देता है और आदमी के अंदर को मारता है, जो इन दो तानाशाहों में है। अगर लोभ नहीं हो, वो आज लोभ छोड़ दें और छोड़ दें गद्दी को, वो कहें भाई देश की गद्दी के लायक हम नहीं हैं, हम छोड़ रहे हैं, और वो दे दे के किसानों को गद्दी दे दे। पूरे पाखंडों का हम विरोध करते हैं, सारे पाखंड जो हैं ये ख़त्म होने चाहिए। हाँ, साइंटिफिक होना चाहिए। साइंस में सिर्फ एलोपैथी नहीं, आयुर्वेदिक भी, होम्योपैथी भी, अब बहुत सी टेक्निक्स हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं। माताएं हमेशा पुत्रों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करती हैं। आपने शायद सिर्फ और सिर्फ उनकी इसको पाखंड को बोल दिया, माताएं कभी पाखंड नहीं करती। माताएं बच्चों को, जो माता निकलती है उसके हिसाब से खाना देती हैं, नहलाती हैं। घर में शायद आपको नहीं मालूम और आपको भी होगा, अपने घर में आज शाम को जाके पूछिएगा, माताएं जो होती हैं वो बीमारी के हिसाब से खाना बना देती हैं। जब ये जो काढ़ा काढ़ा कह रहे हैं कि काली मिर्च का काढ़ा और ये वो, लेकिन उनकी जो रसोई होती है वो उनका दवा खाना होता है। रसोई जो माता की होती है वो कभी भी बच्चों को बीमार नहीं होने देती। हाँ, पाखंड, पाखंड जरूर बीमारी की तरफ और गलत भावना की तरफ लेके जाता है, तो पाखंड का किसान हमेशा से पुरजोर विरोध करता है। रामदेव को लेकर फिर से विवाद हो गया, एलोपैथिक जो चिकित्सा पद्धति है उसको लेकर इन्होंने फिर से सवाल खड़ा कर दिया, काफी विरोध हो रहा है। रामदेव जब तक योग कर रहे थे अच्छा था भाई, योग कोई बुरा थोड़ी है, योग करना बड़ी अच्छी बात है, योग को सिखाओ, अच्छी आदत डालो, सुबह सैर करनी चाहिए, योग करना चाहिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए। लेकिन ये कहाँ कि पाखंड करने लग जाओ, आप दूसरे को एलोपैथी को गलत कहो, सरासर गलत है। और वो जब से, खैर पहले योग गुरु थे, ठीक थे, उसके बाद वो अंध भक्तों की श्रेणी में आ गए हैं। जो मोदी जी करे वो ठीक है, जब तक वो पेट्रोल को 30-35 रुपये ला रहे थे तो ठीक था, आज वो 100 रुपये कर रहे हैं, क्यों भाई? अरे अपनी बात पे तो रहो आप, इससे पता चलता है कि आपका बौद्धिक और मानसिक स्तर बहुत कमज़ोर है। आप सिर्फ एक व्यक्ति को सपोर्ट कर रहे हैं, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं, आप देश को सपोर्ट कीजिए ना। जो 35 रुपये लीटर की बात थी वो तब भी कीजिए, आज भी कीजिए, आज क्यों आप अपनी बातों से पीछे हटते हैं? हाँ, रिसर्च कीजिए, लेकिन दूसरे को गलत मत कहिए। एलोपैथी ने इस बहुत लोगों की जान बचाई है, बहुत से डॉक्टरों ने शहादत दी है, तो समय की गरिमा को ध्यान रखें और इस चीज़ का रखें कि भाई प्रकोप से बचाना है आज देश को। सरकार पर तो इम्पैक्ट पड़ चुका है। आज मैं अभी यहाँ गाजीपुर आया हूँ तो हिसार से आया हूँ, कल हिसार के वहाँ आपने सबने देखा होगा, और सरकार को क्या इम्पैक्ट चाहिए? वहाँ दो जिलों के लोग थे, हिसार और जींद के, और वही लाखों संख्या में थे, तो सरकार चाहती क्या है? अरे 22 जिले हैं हरियाणा में, दो जिलों में लोग, 2-2.5 लाख लोग, मीडिया ही बता रही थी, जिसे गोदी मीडिया कह रहे हैं वही बता रहे हैं। तो आप 22 जिलों को कर लीजिए, उनको 10 से गुणा कर लीजिए, 20 से 22 लाख लोग आपसे मांग रहे हैं, किसान हैं, तो इस बात को आपको सोचना चाहिए। हुड्डा जी, करीब 40 संगठन हैं जो संयुक्त मोर्चा में शामिल हैं, उनके अलग अलग नेता हैं बहुत सारे पूरे देश के, लेकिन जो जान से मारने की धमकी है वो सिर्फ टिकैत को ही मिलती है। दिसंबर से लेकर के मई तक करीब 4 बार उनको धमकी मिल चुकी है, आखिर ये कौन लोग हैं? ये कोई टारगेट कर रहा है इनको या कोई सिर्फ राजनीति हो रही है इस पर केवल? अरे धमकी तो देने वाला होता है, धमकी जो छुट भैया देता है, धमकी एक बड़ा व्यक्ति कभी धमकी देता नहीं है, जिसमें शायद ये
इस पे बात को इतना बढ़ाना भी नहीं चाहिए कि कोई धमकी दे रहा है और ये कर रहा है। ये बड़े छोटे लोगों का काम होता है, गलत गलत होता है, सही सही होता है। लेकिन कोई ऐसी हाँ कोई बात नहीं, करते रहेंगे। हमले हमारे ऊपर हो चुके हैं, यहाँ टेंटों में आग लगाई गई, साजिश के तहत लगाई, जो उस दिन पुलिस और प्रशासन था उस चीज़ को आप लीगल कह रहे हैं। मतलब पुलिस प्रशासन सरकार के पास ताकत है तो सरकार लोगों को दबा देगी, अपने देश की जनता पे दबा देगी। उसको भी कहिए ना सरकार गलत, सरकार हम देश के वासी है भाई, मेरा पाकिस्तान का पासपोर्ट नहीं है, ना मेरा अमेरिका का पासपोर्ट है, भारत देश का पासपोर्ट है, भारत देश का नागरिक हूँ मैं। तो भारत देश के नागरिक के ऊपर ही ये पुलिस और आर्मी को लगाएंगे क्या? क्या चाहती है सरकार? अरे देश के किसान के सामने आपने देश का जवान खड़ा कर दिया है और आप कहते हैं देश में विकास करेंगे, भाईचारा कायम करेंगे। ऐसे भाईचारा कायम करेंगे? भाईचारा कायम आज किसान कर रहा है, सभी वर्गों को सभी लोगों को देख रहा है। वो अनाज तो उत्पन्न कर ही रहा था, अब वो खाना बना के मजदूरों को खिला रहा है और गुरुद्वारों में ऑक्सीजन के सिलेंडर लगाए जा रहे हैं और ऐसे महामारी में दवाइयाँ किसान दे रहा है, ऑक्सीजन किसान दे रहा है। हुड्डा जी, हमने कई किसानों से बात करी है चार पाँच दिन के दौरान, स्पेशली हमने कहा भाई आप सरकार का विरोध कर रहे हैं या बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, तो वो उनका यही कहना है कि हम बीजेपी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम तो मोदी सरकार का कर रहे हैं। क्या मतलब समझते हैं आप इससे? हाँ तो मैं भी यही कह रहा हूँ, खुल के कह रहा हूँ, हम तो मोदी और शाह का विरोध कर रहे हैं, और क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ही गुलाम बना रखा है। क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी सांसद विधायक में इतना दम है वो आके ये कहे नहीं भाई ये मोदी की गलत नीतियाँ थी, मोदी गलत कर रहा है? क्या मोदी ने सभी कार्य ठीक किए हैं? मोदी ने गोधरा और ये जो दंगे करवा रहे हैं वो भी ठीक किए हैं? क्या किया है? एक तो इन्होंने अच्छा काम नहीं किया, उसके बावजूद सांसद और विधायक निकल के नहीं आ रहे हैं, तो डरे हुए हैं। इसका मतलब डरा रखा है भाई मोदी शाह ने, और डराने को ताना शाह कहते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था तो मैं इसको कहूँगा नहीं। इसीलिए किसान ये कहता है भाई जो डर रहा है वो किसानों के साथ आ जाए, किसान नहीं डर रहा, किसान देख लेगा ऐसे बहुत से मोदी शाह यार चले गए यार। आप हुड्डा जी कह रहे हैं कि हम मोदी शाह की सरकार का विरोध कर रहे हैं, लेकिन आप किसान जो बीजेपी के नेता हैं, चाहे विधायक हैं, चाहे सांसद हैं, चाहे मुख्यमंत्री हैं, आप उनको गांव में नहीं आने देते हैं, उनको मंच नहीं साझा करने देते हैं। गांव में कोई जाता है बीजेपी का नुमाइंदा, उसको भगा देते हैं, लठ लेकर पीछे पड़ जाते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक घटना हुई थी कई, आप कह रहे हैं कि हम सरकार का विरोध कर रहे हैं, लेकिन नेताओं को क्यों रोकते हैं फिर आप गाँव में आने से? बिल्कुल सही रोकते हैं भाई, ये वक्त उनका हमारे पास आने की बजाय हमारी बातें लेकर मोदी के पास जाने का है। जब मोदी से काम होता है तो मोदी को तो बोल नहीं सकते। हरियाणा के डिप्टी सीएम है वो अमित शाह को या नरेंद्र तोमर को चिट्ठी लिखते हैं किसानों की बात सुनी जाए। अरे भाई चिट्ठी आज का टाइम, थोड़े दिन में वो कहेंगे हमने कबूतर को चिट्ठी दी, कोई बात हुई क्या? मजाक बना रखा है क्या देश का? अरे भाई आज के टाइम में आप वहाँ से हेलीकॉप्टर उड़ के देश की जनता के बीच दंगे करवाने पहुँच जाते हो, दिल्ली क्यों नहीं पहुँचते? वो लोगों के बीच आ रहे हैं, वो मोदी के घर पे क्यों नहीं जाते? भाई किसान दुखी हैं, किसान हमें पर वो कर रहे हैं, किसान हमें अपने घर में घुसने नहीं दे रहा है, इनकी समस्या सुनो और इनकी समस्या का हल करो। वो हमारे प्रतिनिधि हैं कि जो सरकार के सामने बात रखें, मंत्रिमंडल के सामने बात रखें, और वो हमारे पास आ रहे हैं मोदी की बात लेके, और वो मोदी जो सिर्फ दो कॉरपोरेट्स की सुनता है, उनके हिसाब से देश की पॉलिसी तैयार होंगी क्या? देश की पॉलिसी किसानों के हिसाब से तैयार होगी, देश के नागरिकों के हिसाब से तैयार होगी, किसी कॉरपोरेट के नहीं। उन्होंने गुलामी स्वीकार कर ली होगी, हमने अभी नहीं की है भाई। ये मन की बात बहुत सारी हो गई। जब वो आए थे वो कह रहे थे आपने कांग्रेस को 60 साल दिए और हमें 60 महीने दे दो, और 60 बार से ज़्यादा मन की बात कर चुके हैं। एक बार जनता के बीच में आकर बात करें, वहाँ स्टूडियो से मन की बात ना करें, दिल्ली के किसी भी बॉर्डर पर, भारत के किसी भी गांव में जाकर मन की बात करके दिखाएं, हम भी देख लेंगे भाई कितनी मन की बात करते हैं, जनता कितना एक्सेप्ट करती है। ये यूट्यूब व्हाट्सएप के लाइक डिसलाइक तो ज़्यादा अपने को नहीं पता, वहाँ जनता बता देगी कितना लाइक करती है और कितना डिसलाइक। हमारा तरीका तो यही है बताने का, एक बार जनता के बीच में आकर अपने मन की बात रख लें, पता चल जाएगा उनको भी।